उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नहीं, ये ज्यादा नहीं होता जा रहा है। अरे एक मौत के पीछे दस दस औरतें लगी हुई हैं। अम्मा सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते ना, आखिर अब्बा भी तो एक मर्द थे ना। उत्तामा एक मर्द ही थे से तेरा क्या मतलब है? रिश्ता मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे से भागने के लिए तैयार। देख ले इस बेहंगम कौवार की प्लानिंग, माँ के सामने बैठ के भागने की बातें करे हैं कुत्तामा। देख लेना अम्मा, यही प्यारी सिकंजी सी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। लानत हो वजूद अहमद ऐसे मर्दों पे जो औरतों की सी वजह कता इख्तियार करें। अरे होश के नाखून ले। अम्मा अब भाषण देने मत बैठ जाना। अम्मा वो रोजाबाजी ने थ्रेडिंग करानी है, मैं वहां जा रहा हूँ। बहुत घुसने की जरूरत नहीं है उनमें। अम्मा एक तो उनके मकान पे कब्जा किए बैठी हो, ऊपर से हुक़ूक़े हमसायगी भी अदा ना की जाए। ना भाई ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब जा ही रहा है ना तो देख लीजिए कोई दाल सब्जी अच्छी पकाई हो तो लेते आना, जो कि उम्मीद नहीं है। अब उन बेगैरत भिखारियों को बुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लुगी पट्टी बदरे का फसाद बर्पा कर देगी। अजीब कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उसने पसंद किया होगा। ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। आए रोजबाजी आप देखो जरा आईने में, हाय किस कदर बारीक बारी बना दी तुमने, बिल्कुल ही शक्ल बदल के लगती है, बिल्कुल आयशा खान लग रही हूँ। आय है बाजी, वो तो बुढ़ी है। नहीं वो जो नौजवान वाली है ना। खैर नौजवान तो वो भी नहीं रही, लेकिन मेरी आंखें ज्यादा खूबसूरत थी उससे। बस जरा मकसूद की दी से निकल आए ना तो ये दांत अंदर करवाऊंगी मैं। उसने भी तो करवाए हैं। विनी ने, विनी ने वनीजा वनीजा। अच्छा मैंने खुद देखे, पाकटाबर में मिली थी ना मुझे वो। बस उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो मैंने जरा से उसके मुंह में झांक के देखा, इतना बुरा बनाया है उसने, कहने लगी मैनेज नहीं है आपको। वैसे कॉलेज के जमाने में ना मुझे शायान मलिक ने मॉडलिंग की ऑफर दी थी। अच्छा हाँ हाँ, दांत थोड़ी नजर आते, मुंह बंद करके वो मेरी तस्वीरें लेता, वो पट्टू। बाजी पट्टू नहीं टप्पू। हाँ हाँ वही पट्टू टप्पू। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि हमारे भारत बड़ी सख्त है अखलाकियात के बारे में। वैसे बाजी तुम्हारे भारत क्या करते थे? पश्चिम फिल्मों की प्रोड्यूसर थे। उस वक्त की तमाम हीरोइने ना हमारे घर आया करती थी, शहनाज और सुनीता खान और मुसर्रत शाहीन। खैर छोड़ो बाजी, चलो तो मैं मेकअप करूं। आज तो ऐसा मेकअप करना कि वो भी देखकर घूम जाए। सुनो मैंने सुना है सादिया इमाम तो रात को भी मेकअप करके सोती है। पागल हो, उसकी स्किन देखना कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी। और कितनी होगी, वैसे मेरी जिल्द ज्यादा प्यारी है, मैं तो पूरे 21 गिलास गिन के पानी पीती हूँ। आफरीन है बाजी तुम पे, हर बात में अपने आप को ले आती हो। जलते हो। सुनो जहाँ दो औरतें होती हैं ना वो जलती हैं, कौन सा उनमें बहनापा होता है। अच्छा सुनो चेहरा भी बिलीज कर देना, होंठ के नीचे रुआ जा रहा है। दिखाओ बाजी, मुझे तो मूछें लग रही हैं। जलते हो मुझसे तुम, बदतमीज। खैर छोड़ो, अच्छे से हाइलाइटर लगा लो, देखना कैसा जबरदस्त मेकअप कर रहा तुम्हारा। मुझे अपने दिल में जगह देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले। Thank you.
नैनों में नया रंग भर के हो मेरी धड़कनों में नया रंग भर के निगाह बंद करती है। अगर मैं अपनी बदतमीजी पर आ गई ना तो तेरे के वो बुरा हाल करूंगी कि दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अरे तुम लोगन को इतना बेगैरत हो और बात हो क्या हमरे मकान पे कब्जा किए बैठे हो। अरे अल्लाह करे तुम लोगन का जनाजा निकले यहाँ से। जुबान खींच लूंगी तेरी मैं। चल यहाँ से। अकेला चना भार नहीं फोड़ सके हैं। दिमाग तेरा दुरुस्त कर दूंगी कमीनी डोमनी की औलाद। डोमनी बोल रही है। मैं तो मरते जाऊंगी मगर तेरा ये मकान न छोड़ूंगी। अरे मुझे तो चांदनी चौक के नजूमी ने कहा था 110 साल उम्र होगी नसीब में मेरी जल जल के मरे जाएंगे लोग इंशाल्लाह। अरे मुझे तो तेरे मियां का ख्याल है शरीफ का बच्चा है वरना अभी ऊपर आकर ना उस तरह से तेरा सर मुंग दूंगी। उसी उस तरह से तेरी नाक काट के तेरे हाथ पे धर देंगे। चल यहां से। देखो छचूंदर की तरह निकली चली आवे हैं दफे हो। खड़ी है खिड़की में आके मनहूस अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गई अचानक बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी। देखिए जानू ये परेशानी पर बल लाकर ना मेरे सामने मत आया करें आप। याद है शादी के शुरू शुरू के दिनों में आप कितने अच्छे हुआ करते थे वेरी रोमांटिक वेरी लविंग। मरने के फौरन बाद आपने मुझे कितना खूबसूरत कार्ड दिया था ना जिस पे दिल बना हुआ था तीर आर पार था और उस पे लिखा था तुझे पे मर मिटे हैं हम हमें चाहो कि चुप रहो। वक्त वक्त की बात हो वे रोगा वक्त वक्त की। एक बात बता मैं हम तुमको इतना रोमांटिक होना बीमारी है बीमारी। अल्लाह आपको तो मुझसे बग्स हो गया है जैसे दो सौकरों को होता है ना एक दूसरे से बग्स। हाँ की अम्मी जान ने इतनी सी जुबान में कितना जहर भर दिया है मेरे खिलाफ। तुम सास को माँ समझो। अगर तुम सास को माँ समझो ना तो इतने शिकवे शिकायत ना होंगे। अल्लाह वो तो आपको अब भी गोद का बच्चा तसव्वुर करती है। 45 से ऊपर के हो गए हैं पहले कैसे प्यारे गोलू मोलू से हुआ करते थे और अब कैसा पक्का बना गया है आपके चेहरे पर। एक बात बतावे रुआमजा तुम्हारा दांत भी जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। हम दूसरे लोगों की बीवी को देखे है ना तो हमें एहसास से कमतरी हो गए। है, है, क्या चरिया गए हैं आप मेरे दांतों का ताना देते हुए आपको मौत क्यों नहीं आ गई। ये तो मैं थी जो सारा खानदान खिलाफ था कहते थे कि मत करो इससे शादी तुम्हारे साथ चलता हुआ पहलोटी का बच्चा लगेगा मगर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कदबट पे नहीं जाना मुझे तो मकसूद का दिल देखना है और मैंने मकसूद का दिल देख लिया है और आज आप मुझसे ये बकवास कर रहे हैं। अल्लाह मकसूद अभी तो 8 माह भी नहीं गुजरे अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा और मैं अभी से चूल्हा चौकी में झोंक दूं अपने आप को। आप ही तो कहते थे
जानो हम तुम्हें शादी के एक साल तक काम नहीं करने देंगे है? और अब आप ये कह रहे हैं मुझे हमने बेख्याली में क्या दिया होगा अम्मी जान की कोई उम्र रखा कि तुम्हारी खिदमत करें अल्लाह हम लड़कियां अपनी शादी को क्यों निजात समझती हैं ये तो अंधा कुआं है अंधा एक बार अगर इसमें से गिर जाए तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता अरे दफ्तर से थके हारे आए हैं सारे आए हैं खाना दोगी मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमीनी फितरत के निकलेंगे कभी कभी तो आप मुझे एक छोटी सी औरत लगते हैं एक ताना देने वाली औरत ये काम आपको तुम औरत औरत बोलती रहती हो तो ऐसा कौन सा मर्दों वाला काम कर लिया आपने ऐसी कहा जा रही हो आपके लिए रातब लेने जूता बात करने गलत बात की हो मेरे मतलब है आपके लिए खाना लेने हुस्न का सिंघार फलानी लाल लिपस्टिक और फला काजल अम्मा ख्वाब में भी ब्रांड का नाम लेना मना है वैसे जो रास्ता कह दिया अंडे पराठे खा खा कर तुमने तो गोश्त की तहें चढ़ा ली हैं। कमारी लड़कियां ऐसे पहलवानों के सनिवाले खावे हैं क्या अम्मा खाने में टोका मत करो अम्मा जब बड़ी निवाला डालने के लिए मुंह खोलती है जिसका मुंह कितना बड़ा हो जाता है अपनी हंसी बंद कर और मेरी बात सुन इस घर में शादी होएगी जरूर होएगी इस घर में शादी अम्मा मेरी ना वदूदा है मत की शादी यक चतर नार करके सिंगार यक चतर नार करके सिंगार tere le le lo tere le le lo tere 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 le le हम बनाएंगे ऐसी मिसाल प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल जिसको दौड़ेगा जमाना साल है साल प्यार को हम बनाएंगे बालों में ना गुलाब का फूल भी लगा लो अरे तुमसे ना वो देख के ना वो शेर याद आता मुझे वो जो कब्रिस्तान के कद्दू में लिखा होता है कोई मैं शगुनी वाली बात की तुमने वो हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले हो जाए ये शेर ना किसी नौजाना बच्चे की कब्र में लिखा होता है मुझे क्यों सुना रही है तुम क्यों गुंचे तो तुम्हारे भी सारे मुरझा गए ना दांत
अच्छा अब तो इस घर में सबसे बड़ी औरत की शादी होने वाली है। खबरदार जो तूने अम्मा के बारे में ऐसी गैर अखलाकी बातें की हो तो अम्मा मैं मुद्दू की बात कर रही हूँ, उसकी शादी होने वाली। तेरी बारी तो कैंसर। अच्छी गुलाबी लिपस्टिक है बद्रिका, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए होए कोयलों में क्यों बैठी हो? अच्छा अम्मा वाली बात, अब देखो असूलन तो मैं बड़ी हूँ, रिश्ता तो मेरा होना चाहिए ना। मैं बशीर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये बशीर कौन है, तुम्हारे स्कूल का चपरासी? ये तुम ना अपनी घटिया कॉमेडी कहीं और करो समझी। तुम लोग बहने नहीं हो, डायना पिछल प्यारिया। कैसी खुशी हो रही है तुम सब लोगों को। हाँ भाई, जब हमारी नहीं हुई तो किसी और की क्यों हो। वैसे अम्मा लाई बड़ी दूर की कौड़ी है, सोच वदूद की शादी, कितना अजीब सा लगेगा एक घर में इतनी ढेर सारी औरतें। असल में नींदें उड़ेंगे मेरे 42,000 हाथ से जाने का सोच कर भी। कितना कमा लेते होंगे हैं, तू कितना ले आती होगी हैं? 10,000 ले आती होगी ना। मैंने तो सुना है गए गुजरे फकीर भी 30-35,000 रुपए कमा लेते। हाँ एक फकीर ने भी 42,000 कमा लेती है। लगी कैसी लगी? तेरी तरह नहीं हूँ, मैट्रिक में 3rd डिवीजन में पास हुई थी नकलें करके। कैसी बेइज्जती हुई थी जब तूने इम्तिहान में सारे सवालात के जवाब अपनी शलवार पे छाप लिए थे। हालांकि उस वक्त ऊंची कमीजों का फैशन था, लेकिन तूने जानबूझ कर नीची कमीजें सिलवाई थी। मैंने तो सुना था तू फकीरों की तरह उनके पैरों पर पड़ गई, गुड़गुड़ाने लगे उनके सामने। मुझ पर इल्जाम लगाया था उस बुढ़िया टीचर ने, असल में रिश्वत मांग रही थी। मैंने भी कहा फेल हो जाऊंगी, पैसे नहीं दूंगी। तेरा ये बड़ा सा मुंह ना, जब बोलती है ना और भी बड़ा हो जाता है। हाँ तू तो जैसे बहुत मिस वर्ल्ड है ना। फिर भी बहन जो रिश्ते वाले आते हैं ना वो तेरे बजाय मुझको पसंद कर जाते। तुम्हारी तरह मैं अदाएं नहीं दिखाती ना, मर्दों को देखती टेढ़ी हो जाती हो, आवाज भी बदल जाती है। ऐसी मीठी बनावटी आवाज बनाती है, इतनी मीठी कि वो टीवी वाले शादियां इमाम भी नहीं बनाती होगी। अल्लाह करे तेरा रिश्ता कहीं ना हो, और इस उम्र में दुल्हन बनकर तुम बहुत एबनॉर्मल लगोगी। मैं तो देख रहा तारी कमीन से मेकअप करवाऊंगी अपनी शादी में, बिल्कुल बदल के रख देगा मुझे। अल्लाह करे तारी कमीन तुम्हारे बालों को अपने बालों वाला डिजाइन बना ले। और तुम सब लोग भी ना इंशाल्लाह ताला जल जल के मर जाओगे इंशाल्लाह। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो तुम लोग, जहनी पर मांदा औरत लगती है तुम। जानू हूँ खाने चाटने की कितनी बड़ी चैंपियन हो। लड़कियां तो अम्मा मैं दूल्हा बन के कैसा लगूंगा? अरे मत कर मेरे बच्चे, बड़ा जनाना पोज लग रहा। हाय लापी, तुम्हारी सासी की निशुक रहती बेदर्दी हो रही है। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारी गलत बयानी पर। मुझे कह रही है
میری شادی سے نظریں پھیر کے تم اس زنخہ کی شادی کروا رہے ہو؟ ایک خبردار جو مجھے زنخہ کا اچھا خاصا مرد ہوں میں. ہاں اچھا خاصا بڑا اچھا خاصا ہے. کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہے اماں تم؟ یا تو ساری رات اس سے چم چم ٹھہلے گا یا پھر اس روح افزا کی طرح گندا سا میک اپ کر کے ویشی والا بنا دے گا اس کو. چپ رہو آپی, تمہیں کیا پتا میک اپ کا؟ عجیب سابرا سلطانہ ٹائپ میک اپ کرتی ہو. ہمیں دیکھیے اپنی, مردوں کی طرح کتنی گھنی گھنی ہے. ٹھیک کہتی ہیں اماں, تم لوگوں میں سے تو بالکل نسوانیت ختم ہو گئی ہے. تم لوگوں سے زیادہ نسوانیت تو میرے اندر ہے. ویسے اماں آپ کی شکل کبھی کبھی کامیڈین ننے جیسی نہیں لگتی؟ آئے ہاں لگے تو ہے. تم نے ہامی بھرنی تھی, آج کیا ہو گیا تمہیں؟ اماں میں شادی سے پہلے مجھے رکھ لوں گا, پھر دیکھنا میں کتنا پیور مرد لگوں گا. بالکل پیور مجھے رکھ کر نا تو مجھے والی عورت لگے گا پھر. وہ تو آپ اور تم لگتی ہو. وہ جو اگر مجھے میک اپ کا شوق نہ ہوتا نا اور تم لوگ کی اپر لپس نہ بناتا تو دونوں ساجہ گاما لگتی. سوچو اماں, ان لوگوں نے کبھی ہونٹوں کے اوپر کا رواں بھی بلیچ نہیں کروایا. جاہل گوار نے, سب کچھ میں نے ان کو سکھایا, ساری گرومنگ میں نے ان کی ہے اور مجھے باتیں سناتی ہیں. دیکھ بدلے کام میرا دل نہیں مانے ہے. استخارہ کیا تھا جواب نہیں آ رہا. اب استخارہ کے بعد اپنی زبان نہ لیو. اب میری بات غور سے سن. یہ جو تجھے اپنی ماں کا گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے نا, یہی تیری نجات ہے. بتا رہی ہوں تجھے, تیری شکل اور عقل کی ضرورت نہیں ہے. ان بدبختوں خبیصوں کو تیری کمائی کی ضرورت ہے. سیانے ٹھیک کہے ہیں, آدھی کو چھوڑ ساری کو جائے, آدھی رہے نہ ساری پائے. اور پھر بات وہیں آ جاوے ہیں, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. میں تو نہیں رکھوں گی تجھے. اما بس بس, اب زبان نہ چلائیو, چپ کی کھڑی رہ. قیامت کی نشانی ہے, عورت خود اپنے منہ سے اپنا خصم مانگے ہیں. تجھے اتنا پڑھایا اس دن کے لیے کہ تو اچھی نوکری کرے, اس دن کے لیے نہیں کہ تو بائے فرینڈ بنا کے ان کے ساتھ آنکھ متکے کرتے ہو. بے غیرت, ایسے کون سے کنور جنے ہیں تیرے اندر جو تو اس مردود کے لیے مری جا رہے ہیں؟ بتا رہی ہوں تیرے آنے جانے پر پابندی لگا دوں گی. یہ سرخی پاؤڈر ختم ہو جاوے گا اور یہ ٹین کو آگ لگا دوں گی. ساری بے حیرتی اسی سے آوے ہے تجھ میں. کل تو حامی بن لی تھی تم نے, بتایا نا استخارے میں نہیں آیا ہے. اور تو اگر استخارے کو نہیں مانے گی تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوگی. آئین شادی کے دن تیری بارات ٹرک کے نیچے آ جاوے گی. آپی, جو چمک دھمک کے کپڑوں کے ارمان ہے نا اور جولری کے ارمان ہے وہ تو میری شادی میں کر لینا. بالکل بے فکر رہو, ہال میں جانے سے پہلے نا تم سب بہنوں کے میک اپ میں خود کروں گا. اور تمہیں پتا ہے اپنا میک اپ سب سے آخری میں کروں گا تاکہ میں فریش رہوں. اللہ چڑیل اماں, سارے قصبے نکال دوں گی تیرے. اماں میں پہلے بتا رہا ہوں میں اپنی دلہن کی ساری شاپنگ خود کروں گا. اماں ان جاہل عورتوں کو کچھ بھی فیشن اور جولری کے بارے میں نہیں پتا. ساری شاپنگ کریم آباد اور لالو کھیت سے کر کے لے آئیں گی. اماں میں اپنی ساری شاپنگ جو ہے نا تاریخ روڈ سے کروں گا. ٹھیک ہے, میرا بچہ بڑا خوش ہے نا. شادی تو ہر عورت کا ارمان ہوتا ہے نا. میرا مطلب ہے شادی ہر عورت کا ارمان اور مرد کی خواہش ہوتی ہے نا اماں. بے شک بے شک. اے قدوسی صاحب, سے جب میری شادی ہوئی تو میں چودوہے میں لگی تھی. لیکن اماں شادی کی تصویروں میں تو تم کافی عمر رسیدہ لگ رہی ہو. تمہارے آگے ابا تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی مریل بکری ایک مسٹنڈے قصائی کے چھری کے نیچے ہو. کچھ تمیز تہذیب ہے تجھ میں؟ مردود یا سب بیٹھ کے کھا چکا ہے؟ ماں سے اس طریقے سے بات کی جا رہے ہے؟ بے حیائی کا برقع اوڑھنا, بے حیائی کا جامع پہننا, یہی اصول اپنا لیا ہے تو نے ودود احمد؟ اماں تو جذباتی ہو گیا تھا.
अकेला को बुला लियो, सुना है अच्छे रिश्ते दिखा रहे हैं, जान पहचान वाली है, पैसे भी कम ले रही। ये मैरिज बूरो वाले हैं, सुना है ये तो खाल खींच ले वे है। जी अम्मा, अम्मा अम्मी शादी जल्दी कर देना, मैंने शादी का मूड बना लिया। यक चतर नाट करके सिंगार, यक चतर नाट करके सिंगार। अरे बच्चा बच्चा, इतना क्यूट कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ दे छोड़ दे, पकड़ा लेंगे। अरे मकसूद भाई, आप दूर से बच्चा लग रहे थे, मेरी आंखों में ना बसों का धुआं बहुत पड़ता, नजर नहीं आ रहा था। जाहिल कहेंगी? अरे जाहिल किसको कहा, होम्योपैथिक की डॉक्टर हूँ मैं, चाहिए यहाँ से खड़ा। क्या हो गया चाचा, दिखाई नहीं देता क्या? देख के चला करो। ये कितने का है? नहीं बहुत महंगा है, ये डालो, ये डालो तुम 2 रुपए की। बैंगन डालो, डालो जल्दी करो। ये टमाटर डालो जल्दी से। हाँ ये वो बोरस का है। हाँ कितने पैसे? 10 रुपए 20 रुपए दियो। अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं ले रही, मेरे पास पैसे नहीं। मेरे पास लगाओ मेरे लिए, कत्ता ज्यादा लगाना, चूना कम लगाना, और सौंफ भी डाल देना उसमें। अच्छा है, और ये भी डालना, ये भी जल्दी करना, मेरे ब्रोकर खराब करना। हाँ खराब नहीं होगा। चलो जी हटो। पक्की है, पता नहीं क्या सोच के उस बड़ी उम्र के मर्द के पीछे मरी जा रही है। ऐसा क्या है उसमें? क्या उसकी आंखों के भंवर में गर्क हो गई है? तुम्हें कैसे पता कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है? 2 मिनट में अंदर आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी, क्या है? तुम्हें अम्मा बुला रही है, रिश्ते की बात करनी है, मेरे रिश्ते की। बड़े अरसे के बाद किसी को मुस्कुराते देखा है मैंने। अब तो लड़कियों ने भी शर्माना छोड़ दिया है, ज्यादा से ज्यादा खुद से शर्मा लेते हैं बस। अच्छा यू कर, 1 दर्जन किलो लिया और साथ में 1 किलो दूध भी। बोले क्या, मैं घर में पहुंचाती हूँ फिर चलती हूँ तेरे साथ। ठीक है किरा भाभी, सुनो लड़की अच्छी दिखाना। अरे लड़कियां तो ऐसी हैं कि मत पूछो, भरी पड़ी है लड़कियां अच्छी अच्छी आ रहे तिरछे लोगों के लिए। अकीला भाभी अपना बुरखा दे दो, ड्राई क्लीन करा देता हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे बटर सिल्क है, बटर सिल्क सबसे कीमती कपड़ा। अरे मेरा बड़ा लौंडा गया था उमरा के लिए, वहां से लेके आया मेरे लिए कपड़ा,
میں نہیں دھلواتی خراب ہو جائے گا. ہاں آخری بار کب دھویا تھا؟ یہ کوئی 6 سال ہوئے. اچھا تم جانا سامان لے کے آ. جا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ شارم اسکول چلا گیا؟ پلا دیں یا سب زمان تمہارا قدموں میں کتا خطرہ لوٹے گا اور یہ کرتا پھر گا. ویسے برا مت مانانا, اس طرح یوں جنگلی بھینسے کی طرح کسی کے گھر میں گھس کے نہیں بیٹھتے آئے. اے خالہ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگتا, تم ڈانٹتی بھی پیار سے ہو. خالہ کیوں کہوں ہو, اما کہہ دیا کرو, میرے سامنے تو دودھ پیتی بچی ہو نا تم. سلام. بس نہیں خیر خالہ, اب تمہارے جیسے بزرگ رہے کہاں, اکا دکا ہی ہیں, باقی تو سب مر کھپ گئے. ابھی پرسوں ہی میری امی کی سہیلی خالہ خوشیا مری ہے, بالکل تمہاری عمر کی تھی. تمہارا جیسا ڈیل ڈال, تمہارے جیسے بڑے بڑے کلے, تمہاری جیسی وزنی تو تو چاہے ہے کہ میں بھی مر جاؤں. اللہ خالہ تم بڑی مذاقیہ ہو, بڑی مذاقیہ. اے چائے تو منگواؤ نا, اے چائے پیئیں گے, ساتھ بات کریں گے, تب مزہ آئے گا. وہ دو دائیں مات جی اما. چائے پیئیں گے اکیلے بھابھی, تمہارے لیے دمری چائے بناؤ. ہاں الائچی والی. بسکٹ کھاؤ گی؟ پاپے لیا نا, ڈبو ڈبو کے کھاؤں گی. ابھی لے کر آیا. یک چتر ناٹ کر کے سنگار, ایسا چائے بنائے ہو کہ جی چاہتا ہے کہ تم را ہاتھ چوم لے. صاحب کا پاگل ہو گئے, اس عمر میں ایسی بات کرتے ہو.
अरे छोड़ो नी नन्नी, इतना गुस्सा खाए ना करती हो, हाय एक कप चाय और मिल जाएगी? हाँ हाँ काहे ना मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अभी आ गए हैं। तुम्हें मेरी कसम खा के देखो। आया कीला का दीवानी हुई है, दूर हट के बैठ। क्या हो गया खाला? कुछ नहीं, बड़े अरसे से देख रही हूँ तुझे इस बुरके में। खाला मेरे बुरके को नजर ना लगाई हो, वैसे भी सारे लोग मेरे बुरके का पूछते रहते हैं। असल में बटर सिल्क देख कर ना लोगों की राल टपकती है, अब एले मेले ही फोर्ड तो कर नहीं सकते ऐसा बढ़िया कपड़ा। चल लड़कियों का बता, ये किस लहजे में बात कर रही हो खाला? क्या मैं दो नंबर मैडम हूँ? मेरा मतलब है मेरे लौंडे के लिए कोई अच्छी सी लौंडिया बता। दिल्ली वाली हो, खाना पकाने में ताक, और घर के काम काज में नौकरानियों को भी पीछे छोड़ने वाली हो। एक लड़की है तो बड़ा अच्छा शरीफ घराना है, लेकिन खाला बुरा मत मानना, तेरा लड़का भी थोड़ा सा जनाना है। नहीं कोई जनाना बनाना नहीं है, ऐसी मर्दाना वजाहत है उसमें, वो तो बस दिल लगी को थोड़ा बहुत जनानापन दिखावे है। और आजकल तो बीबी सारे लौंडे लगभग ऐसे ही है। मैं तो जितने भी लौंडे टीवी पर देखूं सब अपनी भावे मुंडवा कर गाजा मुंह पर थोप कर नीम औरत बनकर अपने जलवे दिखावे है। ज्यादा बक बक मत करियो, ऐब निकाले हैं मेरी औलाद में, बढ़ियाई शरीफ उन्निसा बेगम। अच्छा ना छोड़ो, बुजुर्ग हो तुम मेरी, हमें माफी मांगती हो अगर तुम मेरी बात का बुरा लगा तो। ठीक है ठीक है, पहले बताए दे रही हूँ, इज्जतदार घराना होना चाहिए हमारे हम पल्ला। तुम्हारे हम पल्ला, वो भी इज्जतदार घराना? यक चतर नाट करके सिंगार, यक चतर नाट करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुस जात, हम मर की जात। अरे चतर नाट करके सिंगार, यक चतर नाट करके सिंगार, लाइफ का मजा जरा हटके कैफे बाय मेफेयर।